कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? नमस्कार, कैसे हैं आप सब? कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। सीजीपीसी 2023 को ध्यान में रखते हुए हमारी टॉप एमसीक्यू की श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की जनजाति का आज मेरा तीसरा वीडियो है, ठीक है, जिसके एमसीक्यू मैं आज लेके आया हूँ। ठीक है, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजाति है उनकी सामान्य जीवन शैली है, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है वो आज अपन करते हैं। ठीक है, तो जैसे टॉपिक से स्पष्ट है आज का जो हमारे पास टॉपिक होगा वो क्या है बेटा, तो ध्यान से देखना, जनजातियों की सामान्य जीवन शैली। पहले याद रखना, जनजातियों की जो सामान्य जीवन शैली है ना, उसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है, उसी पे ही बात कर देते हैं। ठीक है, ध्यान देना, अगर देखा जाए जनजातियों का जो सामान्य जीवन है बेटा, इसमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद आने वाला जो एमसीक्यू है वो आराम से और इजिली आपसे बन भी जाएगा। ठीक है ना, देखो सामान्य जीवन शैली की अगर बात करोगे किसका, जनजातियों का, तो ध्यान देना इसको अपन चार तरीके से अलग अलग अपन क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, पहला जो रहेगा वो जनजातियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर क्या रहेगा, बेस्ड रहेगा। दूसरा जो रहेगा वो जनजातियों के राजनीतिक जीवन पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तीसरा जो रहेगा वो जनजातियों के धार्मिक जीवन पर बेस्ड रहेगा, और चौथा जो रहेगा वो जनजातियों के आर्थिक जीवन पर क्या रहेगा, बेस्ड रहेगा। ठीक है बेटा, जितनी भी चीजें हैं इसी के अंतर्गत हमें कवर करना है, इसी के अंतर्गत अपन आज हम क्या करेंगे, एमसीक्यू बनाएंगे, इसको ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, यहां तक तो देखो चार टॉपिक हमारे पास है, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन। ठीक है, यहां तक देखो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करते जाऊंगा, उसके बाद जो एमसीक्यू है वो फिर अपने आप बनने भी लगेंगे। ठीक है, यहां तक देखो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है जनजातियों का सामाजिक जीवन। ठीक है, यहां तक ध्यान रखना, इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अगर देखा जाए अपन क्या करेंगे, जनजातियों की बोली के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, भारतीय संविधान में जो राजभाषा की अगर बात करोगे तो राजभाषा के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें छत्तीसगढ़ी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रख, सेम जो हमारे पास जनजातियों की जो बोली है उनके बारे में पढ़ना है। छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए ना, सबसे महत्वपूर्ण जो जनजाति बोली है वो है गोड़ी बोली। इसका विस्तार मैक्सिमम है, गोड़ी के बाद आता है हल्बी बोली, और हल्बी के बाद आता है बेटा कुरुख बोली। कुरुख जो है वो उराव जनजातियों की जनजाति बोली है। ठीक है, तीन जरूर याद रखना, गोड़ी सबसे ज्यादा वृहद संख्या में बोला जाता है, गोड़ी के बाद हल्बी, हल्बी के बाद हमारे पास आता है कुरुख। कुरुख जो बोली है वो उराव लोग बोलते हैं। ध्यान रखना बेटा, बस्तर क्षेत्र में ना, बस्तर क्षेत्र की जो संपर्क बोली है वो हल्बी है, इसको आप जरूर याद रखना। बोली के बाद अगला हमारे पास टॉपिक रहेगा वो गोत्र रहेगा, जनजातियों में गोत्र परंपरा। ठीक है, यहां तक इससे रिलेटेड अपन चीजें पढ़ेंगे। गोत्र ध्यान देना, गोत्र का मतलब होता है गणचिन्ह। सामान्यता गोत्र का जो प्रारंभ है वो पुरुष वर्ग से माना जाता है, याद रहेगा इसको जरूर याद रखना, किसके, जो हमारे पास गोत्र। गोत्र के बेसिस पे लोग टोटम बहुर विवाह का पालन करते हैं। ठीक है, यहां तक टोटम बहुर विवाह का मतलब होता है अगर गोत्र समान है तो ध्यान देना उनमें विवाह वर्जित होगा, अगर गोत्र अलग अलग है, असमान है, तो उसमें शादी या फिर विवाह संपन्न हो सकता है। ठीक है, यहां तक इस बात को याद रखना। गोत्र के बाद अगला जो हमारे पास टॉपिक रहेगा याद रखना बेटा क्या रहेगा हमारे पास, ध्यान रखना गोदना रहेगा। ठीक है, गोदना अपने आप में क्या है, टैटू है। ठीक है, ध्यान देना जो गोदना है वो जनजाति महिलाओं का श्रृंगार होता है, आभूषण होता है। ठीक है, यहां तक। और दूसरा गोदना जो अलंकरण है ना, उसका कार्य कौन तो ध्यान रखना ज्यादातर ओझा जाति के लोग करते हैं, इसको याद रखना। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गोदना प्रिय जो जनजाति है बैगा है। सबसे अधिक बार अपने शरीर में गोदने का अलंकरण कौन करवाता है, कमार जनजाति करवाता है। और जो पहाड़ी कुरवा जनजाति, उनमें खास बात बता दूं, उन लोग जहां जहां महिलाएं आभूषण धारण करते हैं वहां पर वो लोग क्या करते हैं, गोदने का अलंकरण करवाते हैं। ध्यान रखना इससे रिलेटेड अपन क्या करेंगे बेटा, फैक्ट आज पढ़ने वाले हैं, जो एमसीक्यू है बनाने वाले हैं। ठीक है, गोदना के बाद अगला जो हमारे पास टॉपिक रहेगा बेटा वो ये रहेगा, युवा गृह रहेगा। ध्यान रखना अपन क्या करेंगे, युवा गृह से संबंधित आज क्या पढ़ेंगे, फैक्ट पढ़ेंगे। युवा गृह ध्यान देना अगर देखा जाए जुगलिक्स हाउस का हिंदी रूपांतरण है। ध्यान देना यहां पर जो जनजाति अविवाहित बालक बालिकाएं हैं
उनको उनके समाज से संबंधित, उनके कल्चर से संबंधित, संस्कृति से संबंधित अपन क्या करते हैं, एक प्रकार से जानकारी देने का प्रयास करते हैं। उदाहरण ये युवा गृह का उद्देश्य है सामाजिक शिक्षा देना, ठीक है, दूसरा सेवा भाव जागृत करना, ठीक है यहां तक। उदाहरण ये हमारे पास, और दूसरा अगर देखा जाए जीवन साथी चयन में मदद करना, ये युवा गृह के कुछ उद्देश्य हैं। हमें क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़ में कुछ जनजाति है, जैसे हमारे पास घोटुल, घोटुल जो है वो गोड आदिवासियों का, मोरिया आदिवासियों का, माड़िया आदिवासियों का या फिर अबुझ माड़िया आदिवासियों का क्या है, एक युवा गृह है। सेम चीज धुमकुरिया, धुमकुरिया अगर देखा जाए ये उराव आदिवासियों का क्या है, युवा गृह है, ठीक है। फिर अगर देखा जाए गितिओना, ये बिरहोर आदिवासियों का क्या है, युवा गृह है। भारिया का रंगबंग है, इसी प्रकार से अपन पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। उसके बाद जो युवा गृह के बाद अगर देखा जाए हम अपन पढ़ेंगे प्रमुख संस्कार के बारे में पढ़ेंगे कि जनजातियों में कौन कौन से संस्कार का प्रचलन है। अब देखो जो संस्कार है ना बेटा, इसमें क्या पढ़ना है, जन्म संस्कार के बारे में पढ़ना है, नामकरण संस्कार, अतिथि संस्कार, विवाह संस्कार और मृतक संस्कार। जन्म जानना, जनजाति अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी प्रसव कार्य होता है तो जो प्रसव कार्य करवाती है ना उस महिला को दाई कहते हैं या फिर सुनमाई कहते हैं। याद रखना जो प्रसव कार्य करवाती है उसको अपन क्या कहते हैं, दाई या फिर सुनमाई कहते हैं, ठीक है। नामकरण संस्कार जानना, जन्म के छठवें दिन होता है, ये जीवन का सबसे पहला संस्कार है। जानना यहाँ पे विशेष याद रखना, जो हमारे पास जनजाति लोग अपने बच्चे का नाम ना प्रकृति के बेसिस पे रखते हैं, या तो नदी नाले के नाम में रखेंगे, पेड़ पौधे के नाम से रखेंगे या फिर जीव जंतुओं के नाम पर रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना नामकरण संस्कार पे, जो उराव आदिवासी है ना बेटा वो अपने बच्चे का नाम हास्यप्रद ढंग से रखते हैं, ऐसे रखेंगे जिसको सुन के आपको हंसी आ सकता है, ठीक है ना। सेम चीज अपन बढ़ेंगे ये पूरे चीजों में। बात आते ही है राजनीतिक जीवन, ध्यान रखना बेटा राजनीतिक जीवन में ना हमें क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बुजुर्गों की समिति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, जो बुजुर्गों की समिति है इससे रिलेटेड अपन क्या करेंगे, एमसीक्यू पढ़ते हैं, और साथ ही साथ जितनी भी हमारे पास जनजाति है उनका अपन क्या करेंगे, परंपरागत पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में पढ़ेंगे, जनजातियों के परंपरागत पंचायत के बारे में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, बराबर यहां तक, ठीक है। और जो पंचायत है, पंचायत के जो प्रमुख कौन होते हैं, जैसे मैं बोलूंगा मयारी, मयारी जो हमारे पास परंपरागत पंचायत है किस जनजाति से संबंधित है, तो याद रखना बेटा पहाड़ी कोरबा। सेम बोलेगा कि भाई जो पहाड़ी, जो हमारे पास उराव, जो अबुझ माड़िया जनजाति है उसके पंचायत प्रमुख को क्या कहेंगे, राजनीतिक प्रमुख का क्या बोलेंगे और प्रशासनिक प्रमुख को क्या बोलेंगे, वो सब पे बेस्ड अपन क्या करेंगे आज एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है ना। आगे जानना जनजातियों का धार्मिक जीवन, जनजातियों के धार्मिक जीवन में ना आपको याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर देखा जाए इनके प्रमुख देवी देवता के बारे में पढ़ना है, किनके बारे में पढ़ना है, इनके जितने भी प्रमुख देवी देवता है इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे बात करोगे उराव, जो उराव जनजाति है वो राजा धर्मेश की पूजा करते हैं और शरणा माता की पूजा करते हैं। बैगा लोग बुढ़ा देव की पूजा करते हैं, ठीक है। गोड़ लोग दुल्हा देव, झलना देवी की पूजा करते हैं, ये सब याद रखना है। आगे ध्यान रखिए अपन पढ़ेंगे बोंगावाद, तो ध्यान रखना बेटा बोंगावाद अगर देखा जाए जनजातियों में बोंगा ना एक अदृश्य शक्ति के प्रति आस्था का विषय है, ये लोग एक अदृश्य शक्ति के प्रति आस्था रखते हैं। ये जो शक्ति है हर समस्या से, जितने भी दिक्कतें हैं उन सभी समस्या से क्या करते हैं, इनको एक प्रकार से रास्ता दिखाते हैं, सॉल्यूशन दिखाते हैं, बराबर यहां तक। और स्वप्न के माध्यम से क्या करते हैं, अगर इन फ्यूचर भविष्य में अगर कुछ दिक्कतें भी आती है तो उस दिक्कतों से क्या करते हैं, इनको सचेत करते हैं। तो ये बोंगा जो शक्ति है, ये जो मान्यता, इसी को अपन क्या कहते हैं, बोंगावाद कहते हैं। आगे ध्यान, अगला हमारे पास आता है टैबू, तो ध्यान रखना टैबू का मतलब होता है धार्मिक निषेध की अवधारणा, इसे नहीं करना है। जैसे अगर देखा जाए ये जो कमार जनजाति है ये लोग कभी घोड़े को टच नहीं करते, जो नहीं करने का जो कॉन्सेप्ट है बेटा उसी को अपन क्या कहते हैं, टैबू कहते हैं, याद रहेगा, ठीक है। और टैबू के बाद अगला हमें याद रखना है टोटमवाद, क्या है हमारे पास टोटमवाद। टोटमवाद की अगर बात करोगे ना तो ध्यान रखना टोटमवाद जिंदगी जीने का एक सरीखा सिखाता है, आपके जीवन के लिए क्या बेहतर है और आपके जीवन के लिए क्या बेहतर नहीं है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस अगर सीखना है, जानना है, यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, टोटमवाद कहलाता है। इससे जुड़ा भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो अपन करेंगे। अगर हमारे पास अगर देखा जाए आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन पे ना ध्यान देना हमें क्या पढ़ना रहता है, जनजातियों की जो परंपरागत व्यवसाय है, ठीक है, जनजातियों का जो हमारे पास परंपरागत व्यवसाय है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर हमें जनजातियों के प्रमुख पेय पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, पेय पदार्थ इसके बारे में पढ़ना है, याद रहेगा। जनजातियों की जो स्थानांतरित कृषि है, जो मैंने आपको बताया था अभी था स्थानांतरित कृषि के बारे में, जैसे कुछ टाइम पिछले लेक्चर में बताया था पेद्दा खेती कौन करता है, तो अबुझ माड़िया लोग करते, बताया था मैंने। तो ध्यान बेटा ये हमारे पास क्या, जनजातियों के आर्थिक जीवन से संबंधित फैक्ट है जो आपको याद रखा, तो ध्यान देना
आज का जो हमारे पास एमसीक्यू है जिसका नाम क्या है, जनजातियों का सामान्य जीवन शैली, ठीक है ना। ध्यान देना बेटा, जनजातियों का जो सामान्य जीवन शैली है उसमें हमें इन टॉपिक को लेकर आगे बढ़ाना है। जनजातियों का सामाजिक जीवन, जनजातियों का राजनीतिक जीवन, जनजातियों का धार्मिक जीवन और जनजातियों का आर्थिक जीवन, इसी पे बेस्ड क्या रहेगा आज हमारा एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। यहां तक याद रहेगा और इस कुछ प्रश्न रहेंगे जो आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। तो पहला अपन क्या करते हैं, प्रश्न नंबर एक लेते हैं, ठीक है। यहां तक प्रश्न अपन क्या करते हैं, प्रश्न नंबर एक लेते हैं बेटा, ठीक है। यहां तक देखो, देखना ध्यान से, पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित पेय पदार्थ। देखो पेय पदार्थ मतलब आर्थिक जीवन का क्वेश्चन है, याद रहेगा। जनजातियों के पेय पदार्थों में कौन सा जनजाति पेय पदार्थ नहीं है, ठीक है यहां तक। अब देखो बात करते हैं पेय पदार्थ, जनजातियों का जो पेय पदार्थ है देखो क्या क्या है। एक याद रखना बेटा पेज है, एक याद रखना कोसमा है, एक याद रखना हांडिया है, एक याद रखना ताड़ी है। पेज है, कोसमा है, हांडिया है, ताड़ी है, और एक याद रखना सल्फी है, ठीक है। ये सब हमारे पास कुछ पेय पदार्थ और भी है, महुआ हो गया, छिंदरस हो गया, ये भी है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो पेय पदार्थ की अगर बात करोगे, एक सेकंड, ठीक है। ध्यान रखना जो पेज है ना वो गुड़ आदिवासी के लोगों का पेय पदार्थ है, कोसमा उरांव जनजाति का पेय पदार्थ है, हांडिया पहाड़ी कोरवा जनजाति का पेय पदार्थ है, ठीक है। ताड़ी जो है वो बैगा आदिवासियों का पेय पदार्थ है, सल्फी जो है वो मुरिया या फिर छत्तीसगढ़ का जो माड़िया आदिवासी है इनका क्या है, पेय पदार्थ, ठीक है। यहां तक याद रखना पेय पदार्थ, क्लियर है। ये पेय पदार्थ का जो ये लोग सेवन स्वयं करते हैं, साथ ही साथ बाजार में जाके क्या करते हैं, बेचते हैं, ये इनके इकोनॉमी का सोर्स भी है और साथ ही साथ ये स्वास्थ्यवर्धक होता है, इसको याद रखिएगा, क्लियर है यहां तक। तो देखो पहला प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखो भाई पहचानना है कि इनमें से कौन सा पेय पदार्थ नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो कोसमा है, कोसमा उरांव लोग पीते हैं, धेरसा मतलब ध्यान रखना मेड़ खेत याद रखना, हांडिया है पहाड़ी कुरवा लोग हांडिया पीते हैं और ताड़ी बैगा लोग पीते हैं। तो उत्तर में क्या मिलेगा बेटा, धेरसा। धेरसा अगर देखा जाए खेत का जो मेड़ होता है ना वो धेरसा कहलाता है, ठीक है ना। तो पेय पदार्थ है क्या, धेरसा नहीं, इसलिए पहले का उत्तर क्या मिलेगा बेटा, बी मिलेगा, समझ में आया ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दो की ओर चलते हैं। उस नंबर दो क्या है, देखना ध्यान से, इस राज्य के लोक देवता ठाकुर देव, याद रहेगा। इस राज्य का जो हमारे पास लोक देवता ठाकुर देव, ठाकुर देव का निवास किस वृक्ष में माना जाता है, बराबर। यहां तक देख लो प्रश्न क्या है, ठाकुर देव जो ठाकुर देव है हर गांव में है, हर गांव में ठाकुर देवता होता है, याद रहेगा। और ध्यान इसका पहचानना है, इसका जो निवास है किस पेड़ पे है, पीपल के पेड़ पे है कि बरगद के पेड़ पे है कि इमली के पेड़ पे है कि सेमल के पेड़ पे, याद रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताइए भाई, आपके पास समय है, किस पेड़ पे जो ठाकुर देव उसका निवास माना जाएगा, याद रहेगा, बताइए भाई, कमेंट करो, आपके पास समय है, ठीक है, यहां तक कि मैं ही बता दूं, ठीक है। ध्यान देना बेटा जो हमारे पास ठाकुर देव है, ध्यान देना बेटा हमारे पास ठाकुर देव है, इसका निवास कहां पर माना जाता है, ध्यान देना बेटा इसका निवास पीपल के पेड़ में माना जाता है, कहां पर माना जाता है, पीपल के पेड़ में। आपको उत्तर मिलेगा ए, ऑप्शन में देखो कहीं पे है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए होगा दूसरे का उत्तर, ठीक है ना, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर देखा जाए अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ठाकुर देव, ठीक है, ठाकुर देव ग्राम देवता होता है, प्रत्येक गांव पे ठाकुर देव की स्थापना होती है, याद रखना ग्रामीण अंचल पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में आते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास है प्रश्न का, प्रश्न क्या है, देखो जो बेठिया प्रथा है, ठीक है, बेठिया प्रथा, ध्यान देना इसका प्रचलन किस क्षेत्र पे है, ठीक है यहां तक। तो ध्यान देना बेठिया जो प्रथा है अगर देखा जाए ये पुत्र से संबंधित है, याद रहेगा, याद रखा, ये अगर इसका प्रचलन अगर देखा जाए ज्यादातर छत्तीसगढ़ के जनजातियों में इसका प्रचलन है, ठीक है यहां तक। और ध्यान देना बेटा जो हमारे पास बेठिया प्रथा है ना, इसका प्रचलन छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र पे है, बस्तर डिविजन पे है, बस्तर जो क्षेत्र है वहां पर बेठिया प्रथा का क्या प्रचलन है। ऑप्शन में देखो बस्तर है क्या, जसपुर नहीं है, बिलासपुर नहीं है, बस्तर है, राजनांदगांव नहीं है, इसलिए उत्तर क्या मिलेगा आपको, सी मिलेगा। इसका तो क्या बताओगे, बेठिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र पे, तो क्या बताओगे बेटा, बस्तर क्षेत्र पे, ठीक है। मैंने अभी से बोला है स्टार्टिंग में, अभी जब बताया था कि भाई जनजातियों के सामान्य जीवन में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो देखो मैंने अभी तक प्रमुख देवी देवता वाला टॉपिक हो गया, याद रहेगा,
पेय पदार्थ वाला टॉपिक हो गया, कुछ परंपरा हो गया, तो ध्यान जो सामान्य जीवन में बेटा इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ना है, इसी से रिलेटेड हम अपन क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक इसको याद रखना। ठीक है, तो देखो मैंने बताया ये वाला क्वेश्चन हो गया है। आगे बेठिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में, तो क्या बताओगे आप लोग, बस्तर में। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। पहले पढ़ते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है। ध्यान में एक प्रश्न मिल गया, विशेष ये अपने आप में ना जो पीवीटी है ना बेटा, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब, विशेष पिछड़ी जनजाति उसी की है। ठीक है ना, तो देखो भाई ध्यान से देखना, मैं इससे अत्यंत पिछड़ी जनजाति अर्थात विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में ये मैंने कल भी बताया था, उसकी विशेषता आज पूछ दिया है प्रश्न में। ध्यान देना बेटा उसका, याद रखना सबसे पहले मैं बताया था जो विशेष पिछड़ी जनजाति है इसका कॉन्सेप्ट ना 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया है। ठीक है यहां तक, और ध्यान देना अगर देखा जाए जो विशेष पिछड़ी जनजाति है भारत में टोटल 75 बताया था, छत्तीसगढ़ में टोटल 5 आपको बताया था। ठीक है ना, ध्यान देना इसमें 4 लक्षण होते हैं, किसी भी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति दर्जा देने का जो अधिकार है, जो राइट्स है, वो भारत के राष्ट्रपति को है और राज्य स्तर पर महामहिम राज्यपाल को है। ठीक है ना, अब देखो अगर देखा जाए ना जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए 4 क्राइटेरिया है, 4 मापदंड है। पहला क्या है, देखो जनसंख्या, ध्यान देना पड़ेगा अगर जनसंख्या निगेटिव हो, माइनस हो, घट रही हो तो उसको विशेष पिछड़ी का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरा जो साक्षरता, जो हमारे पास अगर देखा जाए जो लिटरेसी है अगर 2% हो या फिर 2% से कम हो, समझ में, या तो 2% हो या फिर 2% कम हो तो भी उसको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है ना, तीसरा ध्यान देना अगर देखा जाए खेती करता हो, लेकिन खेती कैसा हो याद रखना बेटा, परंपरागत कृषि कार्य में संलग्न हो। ध्यान देना कृषि क्या हो, परंपरागत हो, प्राचीन शैली पर ही लोग खेती करते हो। ठीक है ना, और चौथा अगर देखा जाए, चौथा इनकी जो आदिम जीवन शैली है, याद रहेगा आदिम जीवन शैली, तो अपने पास ये 4 चीज याद रखने, अगर ये 4 चीज दिखेगा तो किसी भी जनजाति को ना विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है। मैंने कल भी बताया था कि छत्तीसगढ़ में कितने विशेष पिछड़ी जनजाति है, 5, जिसको भारत सरकार ने दर्जा दिया है, और 2 राज्य सरकार है जिसमें हमारे पास क्या है, पंडो और बूंजिया है। ठीक है ना, आते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है अच्छे से देखो भाई, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता है। पहला बोला है आधुनिक कृषि, आधुनिक कृषि हो सकता है क्या बेटा, नहीं, तो ये तो नहीं है। दूसरा पढ़ते हैं, कम होती जनसंख्या है, बिल्कुल है। अत्यंत कम साक्षरता, बिल्कुल है, साक्षरता 2% या फिर उससे कम होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति, बिल्कुल है, क्योंकि जीवन शैली क्या है बेटा, आदिम है, तो इनकी इकोनॉमी भी क्या होगी, पिछड़ी होगी। तो ज्यादा प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्रश्न पूछा है कि असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है, तो याद रखना इसका उत्तर क्या होगा, ए, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, आधुनिक कृषि। ठीक है, यहां तक इसको प्लीज याद रखिएगा, क्लियर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर रुख करते हैं, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, बस्तर के अनुसूचित जनजातियों का पारद क्या है, मतलब पारद का मतलब क्या है, याद रहेगा। देखो भाई जनजाति है, ठीक है, जनजातियों में पारद का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो अभी मैंने बोला जो जनजाति है, ठीक है, ध्यान देना बेटा, एक ना जानकारी आपसे साझा करता हूं, भारत सरकार ने क्या किया था 1965 में, ठीक है, 1965 में एक समिति बनाया था, उस समिति का नाम याद रखना बेटा लोकुर समिति, समिति का नाम हमारे पास क्या है, लोकुर समिति। ठीक है, आता समिति का नाम क्या बेटा, लोकुर समिति है। ध्यान देना लोकुर समिति को भारत सरकार ने ना एक जिम्मा सौंपा था, एक कार्य सौंपा था, कार्य क्या है, ध्यान देना कार्य यह है कि किसी वर्ग को, ठीक है, किसी वर्ग को अगर हमें जनजाति के रूप में मान्यता देना है, या तो राष्ट्रपति देगा या फिर राज्यपाल देगा। ठीक है, तथा अगर किसी वर्ग को जनजाति के रूप में मान्यता देना है तो हमारे पास क्या क्या लक्षण हो सकता है, तो ध्यान उस लक्षण के बारे में, ध्यान रखना उस विशेषता के बारे में किसने बताया था, तो याद रखना बेटा लोकुर समिति ने बताया था, आया समझ में। और ध्यान रखना लोकुर समिति ने यकीन मानो 4 मापदंड बताए हैं, 4 क्राइटेरिया बताए हैं कि सरकार जब भी किसी भी वर्ग को, किसी भी जाति को
जनजाति का दर्जा देगा। उदाहरण लोकुर समिति के अनुसार कितने मापदंड होंगे? 4 मापदंड होंगे। अब देखो सबसे पहला मापदंड क्या है, तो सबसे पहला मापदंड है एकांत एवं दुर्गम निवास क्षेत्र। पहला मापदंड क्या है? एकांत एवं दुर्गम निवास क्षेत्र, यह पहला मापदंड होगा, ठीक है। दूसरा मापदंड क्या है? तो ध्यान रहा भौगोलिक एकाकीपन, भौगोलिक एकाकीपन मतलब ये लोग ज्यादातर क्या करेंगे, अकेला रहना पसंद करेंगे, दूर दराज में रहना पसंद करेंगे और एकाकी पर अकेला रहना पसंद करते हैं, समाज से दूर रहते हैं। तीसरा है विशिष्ट संस्कृति, इनका कल्चर क्या हो? विशिष्ट हो, स्पेशल हो, विशिष्ट संस्कृति या फिर कल्चर। चौथा अगर देखा जाए, चौथा क्या है? तो सामाजिक पिछड़ापन। चौथा क्या होगा बेटा, तो क्या बताओगे? सामाजिक पिछड़ापन। बराबर यहां तक क्लियर है? उदाहरण अगर किसी भी जाति में अगर ये 4 विशेषता है, ध्यान देना बेटा उस जाति को जनजाति का दर्जा सरकार देगा। और याद रखना इसके बारे में किसने सिफारिश किया था? लोकुर समिति ने, ठीक है ना। ये कुछ फैक्ट मैंने बताया। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या है? अब देखो प्रश्न है पारक का मतलब क्या है। अब पारक का मतलब क्या है उसे याद रखना, मैंने अभी ये चीज बताया है, इसके बेसिस पे ढूंढना है। इन लोग दूर क्षेत्र में निवास करना पसंद करते हैं, अकेले निवास करते हैं। उसके बाद विशिष्ट क्या है? इनकी संस्कृति है, याद रहेगा। विशिष्ट क्या हमारे पास? संस्कृति है, इसको याद रखना। और सामाजिक पिछड़ापन है, क्लियर है यहां तक। उदाहरण इनका जो मेन पेशा है, उदाहरण जब हमारे जनजाति लोगों का मेन पेशा क्या है, या तो याद रखना अगर देखा जाए शिकार करना है, दूसरा पेशा होगा वनोपज संग्रहण करना है और तीसरा पेशा होता है कृषि करना। कृषि कैसा होता है? स्थानांतरित कृषि होता है। और मेन पेशा क्या होता है बेटा? शिकार। हालांकि अभी जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन मेन पेशा क्या है? शिकार। और इसी शिकार को ना इन लोग क्या कहते हैं? पारद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पारद कहते हैं। आया समझ में आता है? तो देखते हैं क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर जो 5 था, बस्तर के अनुसूचित जनजातियों का पारद क्या है? उदाहरण बेटा पारद का मतलब क्या होता है? शिकार। ऑप्शन में क्या शिकार है देखो अच्छे से, देखो पहाड़ है क्या? नहीं। विवाह है क्या? नहीं। शिकार है क्या? है बिल्कुल। त्योहार है क्या? नहीं। इसलिए 5वें उत्तर क्या मिलेगा आपको? सी मिलेगा। क्या मिलेगा 5वें उत्तर बेटा? सी, शिकार होगा, ठीक है। यहां तक आशा करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहां तक इसको याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर अपन चलते हैं, ठीक है। यहां तक देखो, पहले पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? याद रहेगा, याद रखना, आपको देखना है, कथन पढ़ना है और कौन सा कथन गलत है उसको पहचानना, वही आपका उत्तर होगा, ठीक है। यहां तक पढ़ते हैं। पहला, जनजाति समाज पैट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक है, सही कि गलत है? बिल्कुल सही है। दूसरा, जनजातियों में गणचिन्ह का विशेष महत्व होता है, गणचिन्ह का मतलब होता है गोत्र, बिल्कुल सही है। गोत्र का अभी बताया था ना सिलेबस पे। जनजाति समाज में स्त्रियां गौरवान्वित प्राउड फील करती है, बिल्कुल होता है। अगला देखा जाए, जनजाति समाज मातृसत्तात्मक है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है बेटा। मैट्रियार्कल नहीं है, पैट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक नहीं है। और आपको प्रश्न क्या पूछा था? कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में जनजाति मातृसत्तात्मक समाज की नहीं होती है, याद रहेगा। उदाहरण उत्तर क्या मिलेगा आपको? डी मिलेगा, ठीक है। यहां पर पुरुष प्रधान वर्ग है जनजाति, याद रहेगा, इसको प्लीज ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, ठीक है, सॉरी 7 की ओर चलते हैं, याद रहेगा। देखो भाई, जनजातीय समाज में कुरुख में कुजुर उपनाम का क्या अर्थ है? देखो भाई, कुरुख समझ में आ रहा था? कुरुक में जो कुजूर है उसका अर्थ क्या है? देखो सबसे पहले समझते हैं, ये जो उराव आदिवासी है ना, उराव आदिवासी, देखो इनकी जो बोली है, ठीक है। दूसरा, इवन इनका जो वाद्य यंत्र है। तीसरा, बोली हो गया, वाद्य यंत्र का इनका, इवन जो त्योहार है, ठीक है। ध्यान देना, जो कुरुक है इनकी जनजाति बोली है, उराव जनजाति का, वाद्य यंत्र भी कुरुक है, और साथ ही साथ इन लोग कुरुक त्योहार भी मनाते हैं। कौन लोग? उराव जनजाति के लोग। बराबर यहां तक, ठीक है।
तो उराव आदिवासियों में, उराव आदिवासियों की अगर बात करोगे, देखो बोली भी हो गया, वाद्य यंत्र भी हो गया और त्यौहार, सब चीज कुरुक। याद रहेगा जब बात करते हैं त्यौहार कुरुक की, तो ध्यान में बेटा यहां से एक शब्द निकलता है, उस शब्द का नाम क्या बेटा, कुजूर। कुजूर ठीक है, और ये जो कुजूर है ना बेटा, इसका मतलब होता है औषधि। मतलब क्या होता है, मेडिसिन, औषधि होता है। याद रहेगा, इसको ध्यान देना। प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न क्या है, जनजाति समूह कुरुक में कुजूर उपनाम का क्या अर्थ है? तो फल का पौधा है क्या? नहीं। सजावटी पौधा है क्या? नहीं। औषधि पौधा है। क्या है? औषधि पौधा। मसाले का पौधा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए ऑप्शन के अनुसार उत्तर क्या होगा आपका, सी। ठीक है बेटा, सार्थक उत्तर क्या होगा, सी। तो याद रखना कुजूर का मीनिंग क्या होगा, याद रखना कुजूर का मतलब होगा मेडिसिनल प्लांट, औषधीय पौधा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रहेगा यहां तक, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां में आते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है, याद रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान में, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है वो है घोटुल। तो देखो घोटुल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। देखो सबसे पहला तो मैं घोटुल क्या है वो बताता हूं, याद रहेगा। देखो भाई ध्यान से देखना, जनजातियों में ना बेटा युवागृह का प्रचलन है। युवागृह का कहां पर? जनजातियों में। युवागृह क्या है, ठीक है, छोटा सा बता दूं युवागृह क्या है। तो ध्यान देना, जितने भी युवा हैं, जितने भी युवा वर्ग है उनका घर माना जाता है। घर का मतलब होता है निवास स्थल, एक प्रकार का बोर्डिंग स्कूल है बेटा ये। युवागृह क्या है, अपने आप में एक प्रकार का बोर्डिंग स्कूल है, निवास स्थल है, याद रहेगा। और ध्यान रखकर देखा जाए, युवाओं का घर माना जाता है, निवास स्थल माना जाता है, और ध्यान देना ये क्या होता है, जनजातीय शिक्षा का केंद्र है। क्या है? जनजातीय शिक्षा का केंद्र है। युवागृह में जो सदस्य होते हैं, ठीक है, ध्यान देना, जो हमारे पास सदस्य होते हैं ना वो अविवाहित होते हैं। क्या होते हैं? अनमैरिड होते हैं, अविवाहित होते हैं। अविवाहित मेल भी होता है और अविवाहित फीमेल मेंबर भी होती है, तो मेल और फीमेल दोनों होते हैं, बराबर। यहां तक इसको याद रख लेना, समझ में आया तक। लेकिन इसके जो प्रमुख होते हैं, युवागृह का जो मुखिया होता है, जो प्रमुख होता है, या तो विवाहित होगा या तो तलाकशुदा होगा, परित्यक्ता होगा, तलाकशुदा होगा, या फिर विदुर होगा जिसकी पत्नी का डेथ हो गया हो, या तो विधवा महिला होगी जिसके पति का डेथ हो गया हो। जिसके पत्नी का डेथ हो गया विदुर, जिसके पति का डेथ हो गया वो क्या होगा, विधवा महिला। तो ध्यान में, ये मुखिया के लिए कंडीशन है, और सदस्य के लिए कंडीशन क्या होता है, अविवाहित बालक या फिर बालिका। तो ध्यान में बेटा युवागृह क्या है, अविवाहित बालक बालिकाओं का शिक्षा का केंद्र है या फिर निवास स्थल है। अब देखो जो हमारे पास यहां पे अपन क्या करते हैं, एक प्रकार से जो बच्चे हैं, जो अविवाहित बच्चे, उनको क्या करते हैं, शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखना, जो युवागृह है, युवागृह का उद्देश्य निकल के क्या आता है, इसका उद्देश्य याद रखना, सबसे पहला उद्देश्य है सामाजिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा देना। पहला उद्देश्य क्या होगा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा देना, यह पहला उद्देश्य है, ठीक है यहां तक। दूसरा उद्देश्य है सेवा भाव जागृत करना। दूसरा उद्देश्य क्या होगा, सेवा भाव जागृत करना, ठीक है। और तीसरा उद्देश्य होगा जीवन साथी चयन में मदद करना, जीवन साथी चयन में मदद करना, बराबर। यहां तक ये तीन उद्देश्य को लेकर के युवागृह आगे बढ़ता है बेटा, समझ में आया यहां तक। देखो पहला उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य हमारे पास है सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा देना, दूसरा है सेवा भाव जागृत करना, तीसरा हमारे पास क्या है, जीवन साथी चयन में मदद करना। ये तीन उद्देश्य है किसका, युवागृह का। अब देखो ध्यान से देखना, ये तो मैंने बता दिया किसके बारे में, युवागृह के बारे में। देखो सॉरी एक सेकंड रुको, जो हमारे पास युवागृह है, ठीक है। अब देखो अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में प्रमुख युवागृह कौन कौन से हैं, इसको भी याद कर लो, प्रमुख युवागृह हमारे पास कौन कौन सा है उसको देखो ध्यान से देखना। तो देखो भाई प्रमुख युवागृह में याद रखना, एक आपके पास रहेगा घोटुल युवागृह रहेगा, दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, धूमकुरिया रहेगा, धूमकुरिया। तीसरे हमारे पास क्या रहेगा, गीतियोना रहेगा। चौथा हमारे पास क्या रहेगा, रंगबंग रहेगा।
अगला रहेगा धसर वासा रहेगा, अगला क्या रहेगा धांगा बक्सर रहेगा, और अगला क्या रहेगा धांगड़ा रहेगा। ये हमारे पास युवा गृह के कुछ नाम हैं, याद रहेगा बेटा, बस आपको जनजाति के नाम याद रख लेने हैं, बस सिंपल सा, ठीक है। देखो जितने भी युवा गृह हैं, ठीक है, जितने भी युवा गृह हैं सबके उद्देश्य कॉमन होंगे, याद रहेगा, चाहे वो घोटुल हो, चाहे वो धुमकुरिया हो, गीतियोना हो, रंगबंग हो, दसरबासा हो, धांगा बक्सर हो, या फिर धांगड़ा हो, ठीक है, सबका एक प्रकार से उद्देश्य क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। यहां तक एक बार बता देता हूं, घोटुल मोरी सबसे प्राइमरी में गोड़ जनजाति का युवा गृह है, ऑप्शन में गोड़ नहीं है तो मोरिया आदिवासी का, या फिर माड़िया आदिवासी का, या फिर अबुज माड़िया, क्योंकि बेटा सबके सब गोड़ की उपजाति है, तो जो घोटुल है वो गोड़ का, गोड़ जनजाति का क्या है, एक युवा गृह आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए धुमकुरिया, धुमकुरिया जो है वो छत्तीसगढ़ के उरांव आदिवासियों का युवा गृह है, इसका प्रचलन आपको जसपुर बेल्ट में मिलेगा। गीतियोना की बात करोगे तो ये छत्तीसगढ़ की जो बिरहोर जनजाति है उसका युवा गृह है, रंगबंग भारिया का है, दसरवासा भुइया का है, धांगा बक्सर धुरवा या परजा का है, लास्ट जो धांगड़ा है वो कोंध आदिवासियों का, कोंध आदिवासियों का क्या है युवा गृह, इसको याद रखना है, ठीक है। प्रश्न क्या था, प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है, घोटुल के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है भाई। तो देखो सामाजिक शिक्षा देना सही कि गलत है बताया था अभी, जीवन साथी चयन में मदद करना यह भी सही है, सेवा भाव जागृत करना यह भी सही है, तीनों सही है ना, ठीक है। ऑप्शन देखो तीनों सही है, कहीं पर है क्या, 1 और 2 सही गलत, 1, 2, 3 तीनों सही है, बिल्कुल सही, 2 और 3 सही है, नहीं, 1 और 3 नहीं, पूरे के पूरे तीनों ऑप्शन सही, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा बेटा, बी, 8वें का उत्तर क्या होगा, बी। तो ध्यान देना ये था युवा गृह से संबंधित हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है यहां तक, और मैंने कुछ डिटेल भी बताने का प्रयास किया है। इसके बाद ना हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर रुक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ठीक है ना, पढ़ते हैं, पहले तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। निम्नलिखित जनजाति और उनके युवा गृह को, अभी देखो भी मैंने बताया था, ठीक है ना, वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखो भाई परजा या धुरवा, ये जो परजा जनजाति इसी को धुरवा, आपने सुना होगा वीर गुंडाधुर, वीर गुंडाधुर भी ना धुरवा या परजा का था, ठीक है यहां तक। एक तरफ भारिया दिया है, एक तरफ उरांव दिया है, एक तरफ भुइया दिया है। देखो इसको कैसे बनाना है, कभी कभी क्या होता है, सुनना अच्छे से, उरांव का क्या है धुमकुरिया, आपके पास उरांव का बेटा क्या है सी, सी का उत्तर 4 कहीं पे दिख रहा है क्या, देखो बिल्कुल दिख रहा है, तो ध्यान में इसका उत्तर ए तो नहीं होगा, ये एकदम कंठस्थ हो जाओ, आया समझ में। बाकी भारिया, भारिया का क्या होता है याद रहेगा, भारिया का क्या है तो याद रखना, भारिया का क्या होता है याद रखना, भारिया का आपको मिलेगा बी, रंगबंग। तो देखो बी का कहीं पे 2 है क्या, बिल्कुल है, इसलिए इसका उत्तर कहीं ना कहीं सी जरूर होगा, लेकिन उसके लिए आपको किसको देखना है, परजा, धुरवा या परजा का क्या है, धुरवा या परजा का याद रखना आपको मिलेगा धसरवासा, मैंने बोला भी था ए, तो धाम ये धांगा बक्सर किसका होगा, तो धामगा किसका मिलेगा, भुइया का मिलेगा, बराबर यहां तक। तो देख लो इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको बेटा, सी मिलेगा, इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको, सी मिलेगा, ठीक है यहां तक अच्छे से देखिएगा, क्लियर है, अभी इसको मैंने बताया भी था, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, पहले पढ़ते हैं, गोड़ आदिवासी में उस उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें विवाह से पहले वर वधु के यहां रहकर सेवा करता है। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी पिक्चर दिखा हुआ अक्षय कुमार का, याद रहेगा, उसी को रिलेट करना है। तो ध्यान देना यहां पर अगर देखा जाए एक विवाह है, सुनना, उस विवाह को बताता हूं, एक्सप्लेन करते हैं, सेवा विवाह, ध्यान बेटा, सेवा विवाह को अपन कहते हैं लमसेना विवाह भी कहते हैं, कौन सा विवाह कहते हैं, लमसेना विवाह, याद रहेगा। तो ध्यान देना इसमें एक तरफ याद रखना वर पक्ष होगा और दूसरा आपको याद करना है वधु पक्ष होगा, वर पक्ष, दूसरा क्या होगा वधु पक्ष। अब देखो वर पक्ष वधु पक्ष से पहले आपके लिए क्या होता है उसको अपन कहते हैं, ठीक है, वधु मूल्य कहते हैं, क्या कहते हैं वधु मूल्य, इसको याद रखना। तो जनजातियों में क्या होता है ध्यान देना, अगर वर पक्ष को शादी करना है तो सबसे पहले वधु मूल्य को पे करना है किनको, वधु पक्ष को, मतलब ध्यान रखना वर पक्ष क्या करता है शादी करने से पहले वधु पक्ष को क्या करता है, वधु मूल्य देता है।
ऐसा ये कर लेता है तो उसको तब नॉर्मल सा विवाह हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, क्रय विवाह कहते हैं, पारिंग धन विवाह कहते हैं। ज्यादातर ये छत्तीसगढ़ के खैरनार जनजाति में क्या है, प्रचलित है, आपको याद रखना है। लेकिन अगर वर पक्ष वधुमल्य देने में असमर्थ होता है, याद रहेगा, अगर वर पक्ष वधुमल्य देने में असमर्थ होता है, याद रखना, तो लड़का लड़का क्या करता है, ध्यान देना, अपने होने वाले ससुर के घर में जाकर के, जो भाभी ससुर है उसके घर में जाके तब तक कार्य करता है, तब तक सेवा कार्य करता है जब तक ये वधु मूल्य पे ना हो जाए, जब तक ये वधु मूल्य चुका ना जाए। याद रहेगा, इस चूंकि लड़का अपने होने वाले ससुर के घर में जाकर जाके क्या करता है, सेवा करता है, इसलिए इस विवाह को सेवा विवाह कहते हैं। आया समझ में? लेकिन बेटा इसी को ना जो गोड़ आदिवासी है, याद रहेगा, इसी को ना जो गोड़ आदिवासी है उन लोग किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान देना, उन लोग इसी को चरघिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, क्या बताओगे, चरघिया के नाम से जानते हैं, बराबर याद कर। तो चरघिया अपने आप में सेवा विवाह है, इसमें वर पक्ष वधु के यहां जाके क्या करता है, सेवा करता है, कब तक करता है, जब तक वधु मूल्य पे ना हो जाए, बराबर याद तक, इस बात को आपको याद रखना है, क्लियर है। तो देख लो बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 10 से जुड़ा हुआ फैक्ट, ठीक है ना। देखो वधु मूल्य पे कर लेता है और शादी हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, क्रय विवाह, ठीक है। दूसरा, वधु मूल्य पे करने में संभव एक प्रकार से वो सक्षम नहीं है तो अपने ससुर के घर में जाकर करता है, सेवा करता है जब तक वधु मूल्य पे ना हो जाए, उसको कहते हैं सेवा विवाह, ठीक है। कभी कभी ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये विवाह से संबंधित जानकारी है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है। आगे करते हैं, आगे रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, 11 में चलते हैं, ठीक है। ध्यान देना, इस राज्य की आदिवासी संस्कृति में पैडुल या ढुकू क्या है, पैठुल है वो, पैठुल या फिर ढुकू क्या है, सुधार लेना, पैठुल या ढुकू क्या है, याद रहेगा। तो देखो भाई, ठीक है, यहां तक ध्यान देना, एक हमारे पास विवाह है उसको अपन कहते हैं हट विवाह। जनजातियों में एक विवाह का प्रचलन, उस विवाह का नाम क्या बेटा, हट विवाह है, याद रहे, हट मतलब वही जबरदस्ती, हट करना। तो ध्यान देना, इस विवाह में क्या होता है, जो लड़की है, जो अविवाहित लड़की है, वो अपने प्रेमी या मन पसंद के लड़के के घर में जाके क्या करती, जाती है और जबरदस्ती रहना शुरू कर देती है। याद रहेगा, इसमें जो लड़की है वो अपने मन पसंद किसी लड़के के घर में जाके घुस जाती है और जबरदस्ती रहने लगती है। तो लड़के का पिता क्या होता है, इस लड़की से परेशान होकर के ना अपने लड़के का शादी इस लड़की से कर देता है, उस विवाह को अपन हट विवाह कहते हैं। तो याद रखना, इसमें ना ये छत्तीसगढ़ में प्रायः दो जनजाति में क्या प्रचलित है, पहला बैगा जनजाति में और दूसरा पहाड़ी कोरवा जनजाति में। बैगा आदिवासी इस विवाह को ढुकू कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, ढुकू के नाम से जानते हैं, और जो पहाड़ी कोरवा जनजाति है इस विवाह को पैठुल के नाम से जानता है, ठीक है। यहां तक इसको प्लीज याद रखिएगा। देख लो प्रश्न क्या है, पैठुल या फिर ढुकू क्या है बेटा, बताओगे, विवाह के नाम है तो दिखे, देखो पूजा करना है क्या, नहीं, खेल का नाम है क्या, नहीं, विवाह का प्रकार है क्या, है, बिल्कुल है, यात्रा है क्या, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है यहां तक। अच्छा बेटा सॉरी सॉरी, एक चीज मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, सुधार लेना, बैगा लोग, बैगा लोग जो कहते हैं क्या कहते हैं, पैठूल कहते हैं, और पहाड़ी कुरवा को ढुकू कहते हैं ना, याद रखना, थोड़ा सा सुधार लेना, मैंने मिस्टेक कर दिया था। बैगा लोग कोई हटवे को अपन क्या कहते हैं, पैठूल कहते हैं, पहाड़ी कुरवा को अपन क्या बोलते हैं, ढुकू बोलते हैं, ठीक है ना। तो देख लो ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे पास, 11 था, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है, यहां तक इतना क्लियर है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, ठीक है ना। देख लो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो ध्यान से देखो, दो लिस्ट दिया है, सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2, ये जो जनजाति विवाह है उसी से संबंधित है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, एक तरफ जनजाति विवाह है, एक तरफ उसका वास्तविक नाम है। देखो क्रय विवाह, क्रय विवाह को क्या कहते हैं, सेवा विवाह, सेवा को क्या कहते हैं, अपहरण विवाह को क्या कहते हैं, और गंधर्व विवाह को क्या कहते हैं, ठीक है यहां तक। देख लो बेटा, क्रय विवाह को कहते हैं पारिंग धन विवाह। क्या होता है क्रय विवाह ना, ज्यादातर छत्तीसगढ़ की खैरनार जनजाति में, ज्यादातर सभी जनजाति में प्रचलित है। इसमें ना वधु मूल्य का कॉन्सेप्ट है,
इसमें वर पक्ष शादी करने से पहले वधु पक्ष को लड़की के घर वाले को ना वधु मूल्य देता है, क्योंकि इस विवाह में वधु मूल्य का प्रचलन है, इसलिए इस विवाह को क्रय विवाह या फिर पारिंग धन विवाह भी कहते हैं। समझ में आया पॉइंट ना, इसको याद रखिएगा। दूसरा जो सेवा विवाह भी मैंने बताया था सेवा के बारे में, इसको अपन कहते हैं लमसेना विवाह, और गोड़ आदिवासी क्या कहते हैं चरघिया कहते हैं। इसमें अगर वर पक्ष वधु मूल्य देने में असमर्थ होता है तो वधु मूल्य अदा करने तक लड़का अपने भावी ससुर के घर में जाकर क्या करता है, सेवा देता है, सर्विस देता है, ठीक है ना। अपहरण विवाह, अगर लड़का किसी लड़की से एक प्रकार से उसको पसंद करता है, लड़की नहीं मानती है या लड़की के घर वाले नहीं मानते हैं, तो ध्यान देना लड़का क्या करता है, उस लड़की का अपहरण कर लेता है, किडनैप कर लेता है। ये ज्यादातर छत्तीसगढ़ की गोड़ आदिवासियों में प्रचलित है। और जो अपहरण विवाह है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, पायसोतोर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पायसोतोर। गंधर्व अपने आप में प्रेम विवाह है, और ध्यान ये छत्तीसगढ़ के धुरवा या परजा जनजाति में प्रचलित है, इसी को पोटा भी कहते हैं। तो देखो भाई करे का क्या है, मतलब ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 कहीं पे है क्या, देखो अच्छे से। ऑप्शन नंबर ए सही बैठता है क्या, बिल्कुल सही बैठता है। तो ध्यान इसलिए उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या होगा, आपके पास ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। इसको प्लीज देखिएगा, याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, देखो मुरिया विवाह में महला का अर्थ क्या है, महला, ठीक है बेटा। देख लो, याद रखना मुरिया जो हमारे पास जनजाति, उसमें महला का अर्थ क्या होता है, ठीक है यहां तक। देखो सगाई होता है क्या, कि तेल चढ़ाना होता है, कि टीका लगाना होता है, कि मुकुट बांधना। तो ध्यान रहे बेटा इसका उत्तर ये तीनों नहीं होता, इसका उत्तर क्या होता है, सगाई होता है। महाला का मतलब क्या होता है, सगाई। मुरिया आदिवासी, ध्यान रहे बेटा मुरिया आदिवासी पर एक व्यक्ति ने, एक मानव शास्त्री ने रिसर्च किया था, उसका नाम क्या है, वेरियर एल्विन। उन्होंने इस पर एक बुक लिखा है, मैंने बताया भी था वीडियो नंबर 1 पे, द मुरिया एंड देयर गो टूल। आया समझ में आता है, इसको प्लीज याद रखिएगा, क्लियर है। ये हो गया मुरिया में महाला का मतलब क्या होता है बेटा, सगाई होता है, प्लीज पढ़िएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 14 पे, विवाह का प्रकार जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध है, विवाह, उस विवाह का नाम बताइए जिसमें जाति के अंदर क्या है, वैवाहिक संबंध है। देखो बहुर्विवाह क्या होगा, जब आप एक व्यक्ति दो या दो से अधिक महिलाओं के साथ शादी करेगा, या फिर एक महिला दो या दो से अधिक पुरुषों के साथ शादी करेगा, तो बहुविवाह कहेंगे, ठीक है। अनुलोम विवाह, ठीक है, अंतः विवाह और बहिर्विवाह। बहिर्विवाह मतलब याद है जाति से बाहर, जाति के अंदर, जाति के अंदर के लिए याद रखना बेटा होता है अंतः विवाह। कौन सी विवाह होगा, अंतर विवाह, इंटर मैरिज, मतलब याद रखना खुद ही अपने, मतलब जाति के अंतर्गत क्या करते हैं लोग, विवाह करते हैं, बस गोत्र अलग रहता है। इसलिए इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा, सी मिलेगा। क्या मिलेगा, 14 का उत्तर क्या मिलेगा बेटा, सी मिलेगा, ठीक है, इसको प्लीज याद रखिएगा। इसके बाद अपन चलते हैं, इसके बाद याद रखिएगा अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, किस जनजाति की विवाह पद्धति बरोखी कहलाती है, याद रहेगा यहां तक देख लो अच्छे से, किस जनजाति की विवाह पद्धति को बरोखी कहते हैं, मतलब विवाह करने का जो तरीका है उसको बरोखी कहते हैं। ऑप्शन में गोड़ जनजाति है, बैगा जनजाति है, पंडो जनजाति, या फिर भूमिज जनजाति है, याद रहेगा यहां तक, क्लियर है, समझ में आया ना। तो देख लो अच्छे से, बरोखी की अगर बात करोगे तो ध्यान में बेटा ये ना छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास बैगा आदिवासी है, ठीक है, इनके विवाह पद्धति को अपन क्या कहते हैं, ध्यान रहे बेटा क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा बरोखी कहते हैं, बराबर याद तक, ठीक है। तो देखो आज मैंने जो एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, इसी पे बेस्ड था, याद रखना जो भी हमारा एमसीक्यू था इसी पे बेस्ड था, क्लियर है यहां तक। तो मैं इसके बाद जो टॉपिक रहेगा याद रखना, वो जनजातियों का जो ये तो टॉपिक होगा सामान्य जीवन, अब जनजाति और छत्तीसगढ़ का जो कल्चर वाला टॉपिक है, जिसमें नाट्य के बारे में, नृत्य के बारे में, गीत के बारे में, पर्व के बारे में, इससे रिलेटेड क्या करूंगा, एमसीक्यू लाऊंगा, ठीक है यहां तक। और टॉपिक भी बीच बीच में क्या करूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है यहां तक। वीडियो अगर पसंद आए तो बेटा लाइक जरूर कीजिए, जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा अगर कुछ भी डाउट आता है तो, ठीक है, ठीक है। फिर विदा लेते हैं, थैंक यू सो मच।